नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार प्रदेश के नागरिकों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि वायु प्रदूषण से दिल्ली NCR में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। चित्रकूट गैंगरेप केस में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फतेहपुर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और वरुण गांधी पर बड़ा बयान देते हुए तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक विशेष समारोह में साल 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पिछले महीने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल कुछ संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों की ओर से दुकानों पर पथराव करने के बाद इलाके के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। पाकिस्तान में रहस्यमय वायरल बुखार ने हड़कंप मचाया। कराची में लगातार रहस्यमय वायरल बुखार के मामले देखे जा रहे हैं, जो बिल्कुल डेंगू बुखार की तरह ही व्यवहार करता है। केरल के वायनाड में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 11 छात्रों में नोरा वायरस की सूचना मिली। मामले में केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देते हुए नोरा वायरस को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप भले ही कम हो गया है, पर अभी भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले आए सामने, वहीं 555 लोगों की हुई मौत। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से NCB की SIT ने कल रात 11:30 बजे तक पूछताछ की। इसके अलावा वसूली के आरोपों की जांच कर रही SIT ने अभी तक 15 लोगों के बयान भी दर्ज किए। फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।